गुड मॉर्निंग बेटा, हम कर रहे हैं वावल साउंड ए, है ना। उसमें बेटा ए टी वाले किए, ए एन वाले किए, और आज हम करेंगे ए पी वाले, ठीक है। तो बेटा किसकी पिक्चर है ये, सभी को पता है किसकी पिक्चर है ये, कैप है ना, सी ए पी कैप, ठीक है। कैप मीन्स टोपी। आगे किसकी पिक्चर है, टैप है ये, टी ए पी टैप, टैप मीन्स नल, जिसमें आप हैंड वॉश करते हैं, है ना। आगे है बेटा गैप, जी ए पी गैप, ये देखो लड़का खड़ा है, ये दो हैंड है, इसके बीच में क्या है ये बेटा, गैप है ना। जैसे आप बेटा पेयर में खड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, बीच में गैप देते हैं ना, लाइन बनाते हैं तो बीच में गैप होता है ना। जैसे आप खड़े हैं, फिर उसके पीछे जो बच्चा खड़ा होगा उसमें क्या होगा, गैप होगा, आप साथ साथ में नहीं खड़े होते हैं, ठीक है। आगे है बेटा मैप, एम ए पी मैप, मैप मीन्स नक्शा, ठीक है। आगे है लैब, एल ए पी लैब, लैब मीन्स गोद, देखो बेटा मम्मा ने कैसे बच्चे को गोद में लिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं लैब। अब मैं आपको लिखना बताऊंगी बेटा, तो ठीक है, ये है वावल साउंड ए, ठीक है, वावल साउंड ए, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्पेलिंग बताऊंगी, ए वाले जो आपने वर्ड देख पिक्चर देखी, ठीक है। जैसे वन टू थ्री, सी, क्या लिखा मैंने, सी ए, ये है ए, और पी, सी ए पी कैप, ठीक है। ऐसे सी सी ए पी कैप। बेटा आपको पता ही है कि जब तक पूरा आपने लिख नहीं ली स्पेलिंग, तब तक आपने पेंसिल नहीं उठानी है, ठीक है बेटा। सी ए पी कैप। आगे आगे टी ए पी टैप, ये देखो टी टी ए पी पी, ठीक है, पी टी ए पी टैप, पी ए पी टैप, ठीक है, टी ए पी, क्या बन गया, टैप। आगे है गैप, वन टू थ्री, थर्ड लाइन से बेटा क्या लिखेंगे, गैप, ठीक है, जी, ये देखो जी ए पी, क्या बन गया, गैप, ठीक है। थर्ड लाइन से लिखा जाता है जी, ठीक है ना, और फिर आपने थर्ड लाइन में आना है, फिर आपने सेकंड में, और फिर आपने फोर्थ लाइन टच करनी है, और ए, और ये बन गया पी, पी भी फोर्थ, पी भी कहाँ तक लिखा जाता है, फोर्थ लाइन तक, गैप, ओके, जी, ये देखो जी ए पी गैप। आगे है मैप, एम वन
टू थ्री, थर्ड लाइन से बेटा है ना, एम एम ए पी मैप, ठीक है, एम एम ए पी मैप, एम ए पी मैप। आगे बेटा लैप, वन टू, सेकंड लाइन से लिखा जाता है एल, कैपिटल लेटर लिखने हैं पहला बेटा, पहला लेटर जो है आपने कैपिटल लिखना है, फिर बीच में स्मॉल लिखने है, एल ए पी, क्या बन गया लैप, एल ए पी, ठीक है लैब, ओके। ये देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे, एल ए पी लैब, ओके बेटा, बाय।